I love you, I love you, love you. फिर हगुर किस करूं? दूसरे समाज का होता तो अभी तक ऐसे कंपनी में दूसरा समाज आग लगा देता। सर, कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन ने एक एड शूट किया था जिसमें कहा थाली का मन किया उज्जैन में है और महाकाल से मंगा लिया। थाली का मन किया उज्जैन में तो महाकाल से मंगा लिया। तो इसकी वजह से काफी सारे पंडित भड़के हुए उनके ऊपर और बोल रहे हैं कि उनके ऊपर केस करेंगे और ऋतिक रोशन को माफी मांगने के लिए भी बोल रहे हैं। हिंदू समाज सबसे बड़ी बात है वो सहज सहिष्णुता वाला व्यक्ति है, वो कभी उग्र नहीं होता है। यदि दूसरे समाज का होता तो अभी तक ऐसे कंपनी में दूसरा समाज आग लगा देता। अभी हम उन दोनों कंपनी से और ऋतिक रोशन से ये कहते हैं, मांग करते हैं कि माफी मांगे। तो इसके लिए बहुत हंगामा हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है कि माफी मांग ऋतिक रोशन। इसके ऊपर जोमेटो ने भी रिएक्ट किया और कहा कि एक पॉपुलर होटल है महाकाल नाम करके, उसी का नाम लिया गया था इस एड में, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया गया तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और फॉरन ही उस वीडियो को हटा दिया गया उस एड से, तो अगर आप उस वीडियो को यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वो नहीं मिलेगा। सो अगर हम बात करने वाले सलमान खान के बारे में, तो सलमान खान का एक छोटा सा वीडियो है जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि उनके मूवी के सेट से है। सो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान रिसेंटली जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, कोई बंदा आता है उनसे सेल्फी लेता है और उनके हाथ में जो बोतल है वो छीनने की कोशिश करता है। सो गाइस, मुझे तो लगता है ये फैन होगा गाइस, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली उर्वशी रौतेला वर्सेस ऋषभ पंत का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चला था। उसके बाद एक वीडियो है उर्वशी रौतेला का जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल है जिसमें वो ड्रंक है और क्या क्या बोल रहे हैं आप खुद देखिए। आप बोलो आई लव यू, नहीं बोले आप बोलो आई लव यू, आई लव यू बोल दो, बस एक बार बोल दो, एक बार बोल दो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू। फिर हगुर किस करूं? ओके सो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।